हेलो नमस्कार जी। अभी अभी आप सभी के लिए एक और सबसे बड़ी खबर लेके आ गई। अभी 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 सरकार ने 10 मिनट पहले ही बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। 4 ज़बरदस्त गारंटियां आप सभी को दे दी हैं जो कि लागू कर दी गई है। जी हाँ, आप सभी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आई हुई है। 30 दिसंबर 2023 आपको माला माल करेगी। जी हाँ, आप सभी को मैं बता दूं, दिसंबर का अंतिम सप्ताह चला हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी क्रांतिकारी योजनाएं थी दिसंबर की, वे सभी इसी साल लागू करने का लक्ष्य है। जी हाँ, 31 दिसंबर तक आपको बड़ी बड़ी जो सेवाएं हैं उनका लाभ दिया जाएगा। उसके बाद नई जो योजनाएं हैं आने वाली 1 जनवरी 2024 नई साल से भी लागू होगी। तो भाई, इस साल की क्या क्या योजनाएं हैं आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। 30 दिसंबर 2023 की बड़ी खबर है भाई। आप सभी को मैं बताऊंगा किस प्रकार से मोदी सरकार आपको फ़ायदा दे रही है। प्रत्येक गरीब परिवार को 4,000 रुपये, प्रत्येक व्यक्ति को अब मोदी सरकार उसको बैंक अकाउंटों में देने का काम करेगी। अगर आप एक गरीब परिवार से हैं तो आपको फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ पेट्रोल डीजल को लेकर बहुत ही ज़बरदस्त व बहुत ही बड़ी बैठक समाप्त की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और नए जो रेट है उस पर फैसला हुआ है। ये भी आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से। वहीं मैं आपको बताऊंगा कि पुराने आधार कार्ड किन किन के बंद होंगे भाई। जी हाँ, आधार कार्ड सभी के पास होते हैं। अगर आधार कार्ड आपका बंद हो जाता है तो सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं उनका आप लाभ नहीं ले पाएंगे। तो भाई, किन का आधार कार्ड बंद होने वाला है और आप अगर आप आधार कार्ड बंद होने से बचाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक देखिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण खबर आप जान लीजिएगा, अगर आपके पास आधार कार्ड है, जी हाँ, और आप एक गरीब परिवार से हैं तो आपको किस प्रकार से अब इस असुविधा को बंद होने से बचाना है भाई। आप सभी को मैं बता दूं, अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो चुका है तो भाई आपको मोदी सरकार ने एक बड़ा मौका देते हुए कहा है कि आने वाली, जी हाँ, जनवरी में, जी हाँ, आप सभी जानते हैं नई साल आने वाली है, जनवरी में आप अपने आधार कार्ड को एक बार अपडेट ज़रूर करवा लें। आप सभी को मैं बता दूँ, इसमें आप अपडेट के माध्यम से, यानी कि आप चाहे फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ, आप एड्रेस, किसी भी चीज़ अगर आपकी गलत है या फिर कुछ भी सही भी है तो भी आपको एक बार अपडेट करवाना ज़रूर है। अगर किसी का भी 10 साल पुराना आधार कार्ड है तो भाई, नहीं तो जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं आपको मिलती है, चाहे वह राशन कार्ड से लेकर हो, चाहे आपकी आयुष्मान भारत कार्ड से लेकर हो, बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई जानकारी हो, कुछ भी चीज़ हो जो आधार कार्ड से जुड़ी हुई है उस पर ग्रहण लग सकता है और भाई वे आप उन सेवाओं से वंचित हो सकते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी खबर है, मोदी सरकार ने आपको अंतिम मौका दिया है भाई। अगर आप ऐसा नहीं करवाते तो आपका आधार कार्ड बंद भी किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को, गरीब अगर आप हैं, गरीब परिवार से अगर आप हैं तो आपको 4,000 रुपये मोदी सरकार देने वाली है। और आपको ये जो 4,000 रुपये है ये आपको सीधे तौर पर किसी भी प्रकार के बीच में बिचौले का काम नहीं रहेगा भाई। इसमें इनकी 4,000 जो रुपये आपको मिलेंगे ये सीधे तौर पर आपको बैंक अकाउंटों में मिलने का काम किया जा रहा है। मोदी सरकार ऐसी योजना लेके आ रही है जिसमें आपको 4,000 दिए जाएंगे। पहले क्या था कि मोदी सरकार एक कार्ड लेके आई थी, ई श्रम कार्ड, लेकिन एक कार्ड और मोदी सरकार लेके आ रही है जिसको 30 दिसंबर को लॉन्च करने की उम्मीद है। अगर 30 दिसंबर को यह कार्ड लॉन्च हो जाता है तो आने वाली जनवरी के महीने से आपको जो रुपए हैं हर महीने 4,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आपको मिलने वाले हैं। कौन सा कार्ड होगा इस पर हम अभी आपको नहीं बता सकते, लेकिन आप सभी को मैं बता दूं, आपको आधार कार्ड के जरिए का जैसा ही एक कार्ड मोदी सरकार लेके आ रही है, क्योंकि गरीबों का ही बनेगा, जिनके पास BPL राशन कार्ड है उन्हों का ये जो कार्ड है ये मोदी सरकार बनाने वाली है। बड़ी खबर है भाई। उसके साथ साथ हम बात करेंगे एक और जो सबसे बड़ी खबर आ रही, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे गरीब परिवार भी, मिडिल क्लास भी, कि भाई पेट्रोल डीजल पर सरकार कुछ फैसला ले, पेट्रोल डीजल के जो दाम है उनको कुछ घटाए। लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक भी पेट्रोल डीजल पर फैसला नहीं लिया था, लंबे समय हो चुका था भाई। लेकिन आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है, मोदी सरकार ने गारंटी भी दी थी, और गारंटी भाई मोदी है तो गारंटी लागू होना भी कोई असंभव बात नहीं है। तो भाई, आप सभी को मैं बता दूं, मोदी सरकार ने आपको गारंटी दी थी कि हम जहां पर भी पेट्रोल डीजल के दाम ज़्यादा रहेंगे, 100 रुपये से ज़्यादा या फिर 100 रुपये के आसपास है, वहां की समीक्षा की जाएगी और उनको तकरीबन 8 रुपये से 10 रुपये तक सस्ता किया जाएगा। तो भाई, बैठक में काफ़ी बड़ा फैसला लिया गया है, आने वाले नई साल से आपको तोहफा दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आपको तकरीबन 10 रुपये तक पेट्रोल पर कम करके देगी भाई। बड़ी खबर है, और आपको ये खुशखबरी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताएं भाई।
अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। अगर आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्न ले रहे हैं, आपके पास पीला या गुलाबी राशन कार्ड है, तो आपको एक बड़ा झटका लग सकता है। सरकार ने एक निर्देश और जारी किया है भाई। अभी अभी सरकार ने 10 मिनट पहले ही बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अभी भी अगर आपके पास वक्त है भाई, 31 दिसंबर तक का वक्त है, आप अपने आधार कार्ड को अपने राशन कार्ड के साथ लिंक करवा लें। ध्यान दीजिएगा, मैं काफ़ी सारी वीडियो में बता चुका हूँ, आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करवा लें, अन्यथा आने वाली जनवरी 2024 में आपको राशन नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, ध्यान दें, आपका राशन बंद किया जा सकता है। सरकार ने फैसला लिया है कि जितने भी फर्जी राशन कार्ड है उन पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि भाई बहुत सी ऐसे परिवार है जो कि भाई असल में है तो अमीर और गरीब बने बैठे हैं, और जो गरीब है असल में उनका हक खा रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत से ऐसे परिवार हैं जो कि अभी भी गरीब हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया था। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाली जनवरी में, 1 जनवरी को ही लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। बहुत से ऐसे परिवार है जो कि राशन कार्ड में शामिल नहीं हो पाए थे, उनको राशन कार्ड में शामिल कर लिया जाएगा। आप सभी को मैं बता दूं, राशन कार्ड में शामिल उनको किया जाएगा, वह उनको लाभ भी दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, ये भी बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है। अब आपको कहीं से भी पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप महिला आप हैं, चाहे आप पुरुष हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आपको तकरीबन 1 रुपये प्रति ब्याज के दर पर आपको जो पैसा है सरकार दे रही है, 3 लाख रुपये तक आप सरकार से ले सकते हैं। जी हाँ, आप सभी को बता दूँ, ये जो पैसा है ये आपको आधार कार्ड के जरिए ही आपको मिलेगा। आप अपने नज़दीकी कोई भी बैंक में जाकर के जो पैसा है ले सकते हैं सरकार की तरफ से, और दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत आपको ये जो पैसा है ये सरकार देने का काम कर रही है। जी हाँ, वही मैं आपको बता दूँ, मोदी सरकार दयालु योजना के तहत भी गरीब परिवारों को 5-5 लाख रुपये प्रदान कर रही है। वो ऐसे गरीब आप परिवार है भाई जिनको काफ़ी ज़्यादा मदद अब मोदी सरकार देने का काम कर रही है। बहुत से ऐसे गरीब परिवार थे जिनके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई, या फिर किसी भी कारणवश किसी के बच्चे की, या फिर किसी के बुजुर्ग की, या फिर किसी के भी परिवार में अगर मृत्यु हो जाती है तो दुखों का पहाड़ उस परिवार पर टूट पड़ता है। लेकिन आप सभी को मैं बता दूँ, मोदी सरकार फैसला लेके आई है, उस परिवार को 5 लाख रुपये तक देगी, ताकि वे अपने उस सदस्य को कुछ हद तक, जी हाँ, कुछ हद तक उसकी रिकवरी कर सके, अपने परिवार को खड़ा रख सके। आप सभी को मैं बता दूं, परिवार का अगर कोई सदस्य चला जाता है तो पूरा परिवार टूट जाता है, बिखरने की कगार पे आ जाता है। तो मोदी सरकार उस पर कुछ अब मेहरबान है, अब पैसा दे रही भाई दयालु योजना के तहत। अगर किसी के परिवार में इस प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उसको कुछ लाभ देने का काम कर रही है। आगे भी केंद्र द्वारा, राज्य द्वारा कोई भी बड़ी जानकारी आएगी, सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। यूट्यूब चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।